माना कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन रुकना नहीं है। इन परिस्थितियों से तो जीतना ही जीतना है, साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई लिखाई को भी अपने अनवरत रूप से जारी रखना है, जिससे जो आने वाले एग्जाम में हम निश्चित रूप से उसमें सफल हो सके। घर बैठ के पढ़ने का ये सबसे अच्छा मौका है, आप सभी लोग पढ़िए। मैं करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। यह करंट अफेयर्स की व्याख्यात्मक रटलो श्रृंखला है। आने वाले समय में आपके प्रदेश में और देश में बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जानी है। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा प्रतिबद्ध रहा है आपकी इन परीक्षाओं के लिए, इन परीक्षाओं से संबंधित सामग्री के लिए। इसी क्रम में रटलो श्रृंखला संस्थान द्वारा हमेशा आपको दी जाती है और आज मैं अगले रटलो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए रटलो कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, आप लोगों का इंतजार बढ़ जाता है। आज के रटलो में मैंने अप्रैल माह के पूरे करंट को कवर किया है और मई के जो दिन बीते हैं 6-7 उसमें भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको भी मैंने कवर किया है। व्याख्यात्मक श्रृंखला है, इसलिए आप पेन और कॉपी ले लें। प्रश्नों की संख्या जितनी होगी उससे 3 गुने ज्यादा प्रश्न यदि आप पूरी व्याख्या को सुनते हैं तो निश्चित रूप से तैयार करेंगे। श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले मैं बस 10 सेकंड का समय आपसे लूंगा, संस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान कर दूं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि संस्था में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए एक शानदार बैच जो है आपका चलाया जा रहा है, जिस बैच में प्रवेश प्रक्रिया अनेकों बार आपको बताई गई है। फिर भी मैं बता दूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री लेखपाल लिख के आपको भेजना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर पर फोन करके भी आप प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। इस नंबर पर जैसे ही एंट्री लेखपाल लिख के आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। किसी भी संदेह के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहे नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। वैसे वैकेंसीज के मामले में सकारात्मक खबरें मिलनी आपको प्रारंभ हो गई है। जैसे आपने देखा कि 69,000 के जितने भी सदस्य मुझे देख रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी उसको घोषणा कर दी गई है 7 दिन में पूरा करने के लिए और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। 69,000 में बहुत सारे लोग संस्थान से जुड़े हुए थे, हम लोगों ने उस बैच में बहुत मेहनत की थी। अगर आज भी संस्थान से जुड़े ऐसे व्यक्ति देख रहे हो, ऐसे सदस्य देख रहे हो, तो कृपया कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मिठाई के साथ मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं, जो वादा मैंने आपसे किया था। और लेखपाल वालों को मैं जो है भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे 69,000 का रिजल्ट आया है, एक दिन आपका भी मैं मिठाई के साथ इंतजार करूंगा, क्योंकि संस्थान इन बैचेज में बहुत जबरदस्त मेहनत इस समय कर रहा है और आने वाले समय में सभी वैकेंसीज आने वाली है। जैसे ये सुपर टेट आपका क्लियर हुआ तो अगला सुपर टेट के लिए आपका रास्ता खुल गया। यूपीएसआई की भी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, आप देखिएगा बहुत जल्दी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी। तो आने वाला समय बहुत अच्छा है ना, बहुत सकारात्मक है। जब हम इस कठिन समय से निकलेंगे तो हम एक बहुत अच्छे समय में प्रवेश करने चल रहे हैं। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को अनवरत रूप से जारी रखिए, यह एक मौका है, क्योंकि जिन लोगों को चयन लेना है वो बहुत मजबूती से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे अध्ययन के लिए संपर्क मोबाइल ऐप एवं पोर्टल प्रारंभ किया गया। आइए इस प्रश्न से पहले थोड़ी सी चर्चा की जाए। कोरोना जब से फैला है, जब से महामारी फैली है, प्रत्येक क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है, लाखों परीक्षार्थी इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो उच्चतर के हों, चाहे वो माध्यमिक के हों, और चाहे वो परीक्षार्थी ऐसे हों जो कंपटीशन की परीक्षाएं दे रहे हों, है ना। सभी छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं, इस देश में रहने वाले और वैश्विक रूप से भी प्रभावित हुए हैं। कई देशों ने तो अपने संस्थान, शैक्षणिक संस्थान 1 वर्ष के लिए बंद कर दिए गए। ईश्वर की कृपा है कि हमारे यहां इतना नुकसान नहीं हुआ। अब प्रत्येक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार स्वयं अलग अलग तरीके से इस पर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने एक ऐसा ही प्रयास किया है और हरियाणा सरकार ने अपने छात्र छात्राओं के लिए घर बैठे पढ़ाई करने के लिए संपर्क मोबाइल ऐप एवं पोर्टल लाया है। देखिए, आने वाले समय में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी सरकारें किसी भी व्यवस्था के लिए ऐप और पोर्टल की बात कर रही हैं, वो सभी ऐप और पोर्टल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो संपर्क ऐप एंड पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार का है और हरियाणा सरकार ने इसके द्वारा प्रयास किया है कि जो छात्र छात्राएं, जो पढ़ने वाले सदस्य उनके घर बैठे हैं, उनको इसका नुकसान ना हो। ना केवल हरियाणा सरकार बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार भी लगातार प्रयास इस दिशा में कर रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा स्वयं का नाम, है ना, स्वयं का नाम सुना होगा। स्वयं क्या है? देखिए, स्टडी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, वेव्स,
ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वे ऑफ, इसका मतलब है ए से क्या है, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, वाई से यंग, ए से एंड, एस्पायरिंग, यंग एंड एस्पायरिंग, और एम से माइंड्स। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक डिजिटल प्रोग्राम है सभी छात्र छात्राओं के लिए, जिसको इग्नू के माध्यम से वो संचालित करने चल रहे हैं। ऐसा एक प्रोग्राम नहीं है, ऐसे तीन प्रोग्राम है। एक आपने सुना होगा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा शैक्षणिक चैनल आपको दिखाए जाएंगे फ्री टू एयर, आपके जीसेट 15 जिसको आपका शैक्षणिक उपग्रह कहा जाता है उसके माध्यम से। ऐसा ही एक प्रोग्राम है ईपीजी पाठशाला। तो भारत सरकार तीन डिजिटल कार्यक्रम प्रोग्राम पर कार्य कर रही है, स्वयं, स्वयं प्रभा और ईपीजी पाठशाला। तो इसको भी आपको याद रखना है, स्वयं का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, हरियाणा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए जारी किए गए पुलित्जर पुरस्कारों में फीचर फोटोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए यह प्रश्न इसलिए भी आपका काम का है क्योंकि इन पुरस्कारों से भारत का सीधा सीधा संबंध है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है इसके लिए चार विकल्प है, राइटर्स, वाशिंगटन पोस्ट, हेराल्ड, एसोसिएट प्रेस। इसका सही उत्तर होगा एसोसिएट प्रेस। आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे देश के अभिन्न भाग कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो उस राज्य में पहले ही लॉकडाउन था कई दिनों तक। ये लॉकडाउन शब्दावली तो अब आई है, लेकिन उस राज्य में कोरोना का नहीं, अपने तरीके का एक लॉकडाउन चल रहा था। नेट सेवाएं बंद चल रही थी और सेना लगातार मार्च पोस्ट पास्ट कर रही थी, आपका लगातार गतिविधियां कर रही थी। तो सेना की गतिविधियों को, सेना ने बहुत सारे वहां पे अच्छे कार्य किए, लोगों के मन से डर निकाला, लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की। आपने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी लगातार जो है कश्मीर के दौरे पर रहे। तो सेना की गतिविधियों की कुछ फोटो वहां पर, जो महत्वपूर्ण फोटो थी उनको वहां पर खींचा गया, और वो खींचा गया एसोसिएट प्रेस के कर्मियों द्वारा। वैश्विक रूप से उनको जब डिस्प्ले किया गया तो उन्हीं फोटो के लिए वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार मिला है भारत के तीन व्यक्तियों को जो एसोसिएट प्रेस से संबंधित है। और उन तीनों लोगों का नाम है मुख्तार खान, यासीर डार और चन्नी आनंद, है ना। पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा, मुख्तार खान, यासीर डार और चन्नी आनंद। ये तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से फीचर फोटोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा बताइए, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। आइए आगे चलते, तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश पर प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया, है ना। तो बताइए स्थगित कर दिया गया, तो कहां पे स्थगित किया गया, इसको स्थगित कर दिया गया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत। चीन में इसको होना था और इसको क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया। चीन में इसको होना था 29 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच, 29 जून से 9 जुलाई के बीच तीन में इसका आयोजन किया जाना था 44वें सत्र का, स्थगित कर दिया गया। अब आपके लिए 43वां महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछा जाए कि 43वां सत्र इसका कहां हुआ था, तो 2019 में इसका जो 43वां सत्र है वो वाकू में हुआ था। हाँ, अजरबैजान, जानते हैं ना, अजरबैजान, वाकू, तो वाकू में हुआ था अजरबैजान में 43वां, और 44वां स्थगित कर दिया गया क्योंकि चीन केंद्र था, आप सभी को मालूम है, और स्थगित कर दिया। और इस तरफ जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो सभी सम्मेलन इस समय क्या हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से हो रहे हैं। इस समय कोई भी सम्मेलन फिजिकल रूप से प्रेजेंट होकर आयोजित नहीं किया जा रहा है। चौथा प्रश्न है आपका, नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के सहयोग से किस राज्य द्वारा जीवन अमृत योजना को प्रारंभ किया गया, है ना। जीवन अमृत योजना, ध्यान दीजिएगा, इस समय कई राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं प्रारंभ कर रही हैं, उसी में एक योजना है अपने तरह की जीवन अमृत योजना। यह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना के बारे में पहले तो आप समझ लीजिए, संयुक्त रूप से ऐसे देसी उपाय, जैसे मान लीजिए आपका पीपल हो गया, मुलेठी हो गई, और जो भी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते थे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देती हैं, ऐसी चीजों को
जिनसे काढ़ा बनता है, एक पैकेट में लिया गया, 50 ग्राम के पैकेट बनाए गए और सभी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सभी शहरी नागरिकों को एक एक दो दो पैकेट निःशुल्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बांटे गए, ताकि इस कठिन समय में इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाया जा सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए, मध्य प्रदेश होगा। और जीवन अमृत योजना किससे जुड़ी हुई है यह भी मैंने आपको बताया है, प्राकृतिक उपायों से जुड़ी हुई है, जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई है, आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। आइए, आयुष विभाग के सहयोग से पांचवा है आपका पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि पर्यावरण का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है, टायलर पुरस्कार, है ना। टायलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, तो चार ऑप्शन है आपका, पवन सुखदेव, राजा रोहित, जोकिन फिनिक्स और बांग मून, है ना। इन चार में से आपको सही उत्तर चुनना है, तो आपका सही उत्तर होगा बताइए क्या है, पवन सुखदेव। अब पवन सुखदेव के बारे में पहले तो जान लीजिए, पवन सुखदेव हैं क्या। पवन सुखदेव जी जो हैं इस समय यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ये सद्भावना दूत हैं, है ना। और ये पर्यावरण अर्थशास्त्री है। इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ये इस पुरस्कार को पाने के लिए अकेले नहीं है, बल्कि दो लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। इनके साथ ये पुरस्कार एक व्यक्ति को और मिला, जिनका नाम है डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। इनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। ये प्रोफेसर है, डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली प्रोफेसर है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो दो लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया, पवन सुखदेव जी को और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। और सुखदेव जी सद्भावना दूध है इस समय, है ना, कहां पे, यूएनईपी में। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काफी दिन बाद ये रटलू आया है, इसमें पूरा आपका अप्रैल का पूरा करंट जो है कवर किया गया है और मई के भी कुछ चीजों को कवर किया गया है। अब कोशिश करेंगे कि जल्दी से लगातार आपको कुछ रटलू ऐसे देंगे ताकि पीछे चीजें आपको कवर हो सके। आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे रटलू यहां पे क्रमिक चल रहा है, जैसे हम लोग 10वां रटलू करने चल रहे हैं, तो लगभग अगर आप देखें तो हम लोगों ने नवंबर के करंट से रटलू शुरू किया है, तो तीसरे रटलू से सभी रटलू आपके लिए अब महत्वपूर्ण है ना। तो 3 से लेकर 10 तक के रटलू उन सभी लोगों को देखने हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके तैयारी कर रहे हैं, जो इस वर्ष की परीक्षाएं देना चाह रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आरओएआर हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो सुपर टेट हो, या आने वाली जो भी आपकी परीक्षा यहां पर आयोजित की जा रही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, छठवा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क, बीजिंग, दाओस, पेरिस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दाओस, है ना। और दाओस कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या है, दाओस है। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 मैं भारत का स्थान कौन सा है। आप जानते हैं कि इस सूचकांक की घोषणा थोड़े दिन पहले की गई है, चार विकल्प हैं आपके, 40वां, 39वां, 44वां, 48वां। कुल 53 देशों को इसमें शामिल किया गया था और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 40वां। यदि हम लोग बात करें कि जो सर्वोच्च स्थान है वो किसका है, तो सर्वोच्च स्थान इसमें यूएसए का है, सबसे ऊपर यहां पे यूएसए है और सबसे नीचे के स्थान पर अगर 53 सदस्य थे तो वेनेजुएला है। तो ध्यान रखिएगा कि ये यूएसए का पहला स्थान होगा, वेनेजुएला का 53वां, इसका मतलब अंतिम स्थान होगा। और भारत की स्थिति 40 है, भारत के स्थान में गिरावट हुई है पिछली बार से, कुछ स्थान भारत खिसक के नीचे आया है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है आपका, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया। देखिए, त्रिशूर पूरम जो है वो केरल राज्य में आयोजित होने वाला एक धार्मिक वार्षिक उत्सव है, त्रिशूर पूरम।
यह आपसे एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, एक बड़ा आयोजन है ये जो वार्षिक रूप से केरल राज्य में आयोजित होता है और एक धार्मिक उत्सव है। अब इसके आपके लिए जरूरी है कि ये है क्या, पहले इस विषय को जानिए, है ना। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसको क्या कर दिया गया, इस बार रद्द कर दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा बताइए, तो आपका सही उत्तर होगा बी, केरल। केरल आपका सही उत्तर है। आइए नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 18 अप्रैल, 20 मार्च, 10 फरवरी, 15 जनवरी। जल्दी से उत्तर करिए। हाँ, 18 अप्रैल बिल्कुल सही उत्तर होगा, 18 अप्रैल इसका सही उत्तर होगा। और इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इस दिवस का उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और उसकी जो विविधता है उसके महत्व के बारे में आमजन को परिचित कराना, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें परिचित कराना और इस चीज को लेके उनके बीच में एक जागरूकता का विकास करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कहा, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, मतलब सबकी साझा संस्कृति है, सभी की साझी विरासत है और सभी की समान रूप से जिम्मेदारी है, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए दसवें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। दसवां प्रश्न है आपका, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अभी मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन का महत्व बता रहा था, तो अभी आपने देखा किसान रथ इसका सही उत्तर होगा। आपने देखा पंचायती राज दिवस जिस दिन था उस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था। आप सभी लोग बताइए कि पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है, है ना। मैंने आपको पिछले में बताया था, आपके कमेंट्स के माध्यम से मैं आपके उत्तर को सुनना चाहता हूं, क्लियर। तो पंचायती राज दिवस जिस दिन था उसी दिन इस आयोजन को किया गया था और यहां पर किसान रथ ऐप और पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जारी किया गया था प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। यहां पर एक और चीज आपको समझनी है कि इसका उद्देश्य क्या है। आपने देखा ट्रांसपोर्टन, कोविड के समय में ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद है, परिवहन बंद है, तो जो छोटे से लेके मझोले से लेके बड़े किसान हैं वो अपने उत्पादों को कहां ले जाएं, प्रत्येक तरह के उत्पाद। तो ये एक ऐसा ऐप है जो उस परिवहन को ढूंढने में मदद करेगा जिसके माध्यम से वो अपने उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह अर्थात उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां या तो सरकार या तो संबंधित व्यक्ति उन उत्पादों को खरीद सके। तो ये किसान रथ है, आप याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है किसानों की मदद के लिए, संबंधित परिवहन ढूंढने में उनको मदद मिलेगी। आइए ग्यारहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की किस अग्रणी द्विपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया, है ना। देखिए ये 122 साल पुरानी द्विपहिया की एक प्रतिष्ठित कंपनी है यूनाइटेड किंगडम, यूको की, ब्रिटेन की, और उसका अधिग्रहण किया गया है टीवीएस द्वारा, है ना। टीवीएस द्वारा किया गया है, 153 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है और ये अभी हाल की घटना है। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि टीवीएस अब द्विपहिया वाहनों की जो है श्रेणी में सबसे बड़ी जो है कंपनी बनने चल रही है इसके अधिग्रहण के बाद, क्योंकि तकनीकी रूप से बहुत दक्ष थी लेकिन इस समय किसी परेशानी से गुजर रही थी और टीवीएस द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। आप जानते हैं हीरो होंडा बहुत बड़ी द्विपहिया कंपनी थी लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा कि हीरो ने होंडा से अपने आप को क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। टीवीएस को ये जो साथ मिला है इससे हो सकता है कि टीवीएस की स्थिति बढ़े और जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहती है निश्चित रूप से उस मुकाम पर पहुंच सके। आइए बारहवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं, जल्दी से उत्तर करें। इसका सही उत्तर होगा आपका 21 अप्रैल। क्या होगा, 21 अप्रैल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्यों मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए सिविल सेवा दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्लियर। और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा
अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनर्समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है, और उनके अच्छे कार्यों का रिवार्ड अगर उनको इसी तरह मिलता रहेगा तो वो नए नए क्रिएटिव और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और वो जन सामान्य के ज्यादा समीप आएंगे, क्योंकि प्रेरण की आवश्यकता हर सेवा में होती है, चाहे बड़ी सेवा हो चाहे छोटी सेवा। आपने देखा दुनिया भर की योजनाएं इस समय चल रही हैं हमारे एसेंशियल सर्विसेज जुड़े हुए लोगों के लिए, वो एक तरह से उनका मोटिवेशन है क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगा के बहुत प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे जान करते हैं। 13वां प्रश्न है जो आपका, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर है आपका गोवा। ऐसा नहीं यहां पर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं था, यहां पर प्रारंभिक समय में 7 मामले आए थे, है ना, लेकिन ये 7 के 7 मामले सही होकर घर लौट गए, है ना, और गोवा ने अपने आप को पूर्णतः कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो जहां हम पूरे देश के प्रत्येक राज्य में ये बात कर रहे हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है या रेड जोन में है, यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं यहां पर कि राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पहला ऐसा जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा है, जो ग्रीन स्टेट है, जहां पर इस समय कोरोना का संक्रमण नहीं है और कोरोना से संबंधित एक भी मामला आपका यहां पर नहीं है। तो समय रहते गोवा ने बहुत अच्छा कार्य यहां पर किया। 14वां प्रश्न है आपका, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की, है ना। तो देखिए 4 विकल्प है आपका, 9.99, 8.99, 5.89 और 7.49। इसका सही उत्तर होगा 9.99। फेसबुक ने जैसी ये हिस्सेदारी खरीदी वह जियो की सबसे बड़ी हिस्सेदार हो गई। अब आप एक बात समझिए कि फेसबुक के ने व्हाट्सएप को पहले लिया, अब फेसबुक और व्हाट्सएप के पास भारत के और विश्व के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पहले से व्यक्ति वहां पर जुड़े हुए हैं। भारत में जियो ने भी अपना जाल बहुत अच्छे से फैलाया है और जियो के भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब वैश्विक रूप से जब ये इकट्ठा हुआ तो इन्होंने भारतीय जनसंख्या के बड़े समूह को कवर किया है और आने वाले समय में ये ऑनलाइन रिटेल के उसमें भी आना प्रारंभ कर रहे हैं, इनकी योजनाएं बन रही हैं। आने वाले समय में फेसबुक और जियो भी शॉपिंग का आपके एक हब होगा और बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, है ना। फेसबुक के माध्यम से जियो भारत में ऐसे स्टोर्स खोलेगा और ऑनलाइन सामान आपको बेचेगा, है ना, इसकी तैयारी चल रही है। आइए, तो एक बड़ा गठबंधन है जिसका आने वाले समय में प्रभाव आपको दिखेगा। और प्रमोशंस की जहां पर बात है तो जियो का प्रमोशंस, जियो के सामान का प्रमोशंस या जो सामान रिलायंस जियो के माध्यम से आपको पहुंचाया जाएगा फेसबुक पर आराम से और व्हाट्सएप पर उसका प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये एक आसान तरीका था, और दोनों बड़े लोग जब मिलते हैं तो कुछ नई चीजें होती हैं, ऐसा ही यहां पर आगे आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आइए 15वां प्रश्न है यहां पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया। इसका सही उत्तर है आपका सी, सुदर्शनम बाबूजी। हाँ, सुदर्शनम बाबू एक जो है वैज्ञानिक है, बहुत योग्य वैज्ञानिक है और अमेरिकी नागरिक को, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और शीर्ष विज्ञान बोर्ड का इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया। आइए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की। इसका सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। जितने भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, डॉक्टर हो, वार्ड बॉय हो, जितने भी व्यक्ति हैं जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश में इस विकट दौर में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी लोगों का 50 लाख रुपए का बीमा करके उनको सुरक्षित किया गया है कि यदि कोई हानि होती है। वैसे तो देखिए इनका जो योगदान है वो इतना अविस्मरणीय है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता और उसे उसका कोई मूल्य नहीं है। ये हमारे रियल हीरो हैं, पूरे भारत में जो काम कर रहे हैं हमारे रियल हीरो हैं, हमारी सेना, हमारे डॉक्टर, हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के लोग और जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब चाहे वो सफाई कर्मी हो गए, स्वास्थ्य समूह हो गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगा या गवर्नमेंट में राज्य केंद्र सरकार से जुड़े सभी लोग, हम सभी लोग हाथ जोड़कर उनको सम्मान प्रेषित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा बताइए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस
किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजराइल का। ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि इजराइल तकनीकी के मामले में अपने आप में आगे है, लेकिन उन्होंने भारत की कंपनी टीसीएस को चुना है और 2021-22 तक वो पूर्णता एक ऐसा बैंक स्थापित करने वाले हैं जो पूर्णता डिजिटल होगा, जहां पर मानव का कोई कार्य नहीं होगा। तो यह शुरुआत कर रहे हैं उनके, इसका उद्देश्य है कि बैंकिंग सेक्टर को और सुधार किया जाए और आने वाले खतरों को उससे दूर रखा जाए, बचाया जा सके। तो ये करने वाला जो पहला राष्ट्र है विश्व का वो इजराइल है और इसके लिए चुना किसको है? टीसीएस को चुना है, हाँ, जो भारत की कंपनी है। आइए, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है। आपने देखा कि लगातार पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों पर हमले हो रहे थे। डॉक्टर ने एक दिन जो है प्रण लिया जो है उनकी एसोसिएशन ने कि हम काली पट्टी बांधकर जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। उसी दिन आनंद फानंद ने केंद्र सरकार ने मंत्रियों के समूह के साथ एक मीटिंग की और एक अध्यादेश पारित किया यहां पर, जहां पर 7 साल, इसका उत्तर क्या होगा, 7 साल की सजा है और 3 लाख तक का जुर्माना है और एक विषम परिस्थिति में 5 लाख तक का जुर्माना है ना। तो 7 साल से लेके सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट विषम परिस्थिति में जुर्माना 5 लाख रुपए तक का आपका हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि 7 साल की ही सजा है, ये सजा 6 महीने से लेके अधिकतम 7 वर्ष की है और जुर्माना 50,000 से लेके अधिकतम 3 लाख तक है और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जुर्माना 5 लाख तक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर है? 19वां प्रश्न का सही उत्तर आप लोग करिए। इस प्रश्न को मैं एक बार और आप लोगों को हल करा चुका हूं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 142 होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब यहां पे मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, क्या बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसी से जुड़ा हुआ है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को, यह भी आप याद रखिएगा, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो भारत का स्थान तो 142वां हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान लगातार नॉर्वे का है, चौथी बार लगातार नॉर्वे का है और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है ना। तो पहला स्थान किसका है बताओ? नॉर्वे का है और अंतिम स्थान जो है वो किसका है बताइए? नॉर्थ कोरिया का है। ये स्थान आपका अंतिम है, तो इसका सही उत्तर होगा 142वां। 20वां प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने खांसी जुखाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कोविड फार्मा लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है कोविड फार्मा? जैसे नियम बनाया गया है कि किसी भी मेडिकल से जब आप ये दवा खरीदेंगे है ना, तो उस मेडिकल वाले को वो डिटेल इस कोविड फार्मा ऐप में अपडेट करनी पड़ेगी है ना। यह किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है, जिससे जितने व्यक्तियों ने इस तरह की दवाएं खरीदी हैं उतने व्यक्तियों के बारे में जानकारी पहले से ही सरकार के पास रहे कि बाद में अगर बहुत विषम स्थिति होती है तो उन सभी लोगों को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सके। तो ऐसा करने वाला जो देश है, जो राज्य है, वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। और ये एक अच्छी पहल है कि यहाँ पर कुछ आगे बढ़ के कार्य किया। हम अगर मेडिकल पर निजी रूप से कुछ दवाएं खरीदते हैं तो उसको पूरे डिटेल और उसके एड्रेस के साथ उस मेडिकल वाले को वो दवाएं, कौन सी दवाएं जो इससे संबंधित है, खांसी जुखाम और बुखार, आपकी प्राइवेसी के वो नहीं, बस इस वैश्विक महामारी के समय में बचने के लिए किया गया है कि हम जल्दी उन लोगों तक पहुंच सके अगर विषम परिस्थितियां हों तो उसको मैं एड्रेस के साथ, दवा के नाम के साथ, आपके जो है फोटो के साथ उसको अपडेट करना पड़ेगा और वो जानकारी सरकार के पास रहेगी। आइए, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा आपका। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? देखिए, भारत 3रे स्थान पर पहुंच गया है और पहले 5 देशों में देखें तो एशिया की 2 महाशक्तियां इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी? चीन और भारत। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है और 3रा स्थान भारत का है ना। तो ये सही उत्तर आपका कौन सा होगा बताइए? 3रा, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्टॉकहोम स्थित
थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा रही। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है। इसके अनुसार वैश्विक खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। आइए, उपलब्धि है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे, है ना? आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्ते में केवल इरफान खान नहीं, हमने इरफान खान को भी खोया, हमने ऋषि कपूर साहब को भी खो दिया, और इसके अलावा आतंकवादी हमले में हमने 5 अपने प्रमुख जो है सेना के जवानों को भी खो दिया। और लगातार ये जो माहौल है, एक बड़ा नकारात्मक माहौल है ना, जैसे लग रहा है कि ये जो वर्ष है कुछ अलग ही तरह का वर्ष है, जहां पर अच्छी खबरें बहुत कम सुनाई दे रही हैं, इसी तरह की खबरें हम लोगों को ज्यादा सुनाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इरफान खान जो बॉलीवुड के एक मजे हुए जो है कलाकार थे, उन्होंने लोहा मनवाया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो संबंधित थे। उन्होंने खुद कहा है कि बड़े सपने देखने वालों की एक छोटी सी उड़ान हूं, मैं आपका इरफान हूं। तो बहुत मजे हुए कलाकार थे, हम सभी लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि आज उनके लिए, उनके लिए, ऋषि कपूर साहब के लिए, और इस समय में जो लोग भी गए हैं उन सब के लिए। और बहुत हमने अपने बहुत महत्वपूर्ण एक्टर्स को खो दिया, एक अच्छे व्यक्तियों को हम लोगों ने खो दिया। तो इरफान खान से संबंधित प्रश्न था जिस पर इतनी बात हुई, इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा ए, वो हाँ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जो है पीड़ित थे, जो एक तरीके का कैंसर है, और ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, उनके अंदर था। और फिर जो है वो इससे सही होके वापस भी आ गए थे, फिर उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म की शूटिंग भी पूरी की, कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, अब वो हमारे बीच नहीं है। हम सभी लोगों की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि, ऋषि कपूर साहब को भी विनम्र श्रद्धांजलि, और हमारे हीरो जो कोरोना फाइटर्स हैं, हमारे जितने भी लोग गए हैं, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो सेना से संबंधित हो, उन सभी लोगों को भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। आइए, 23वां प्रश्न है आपका यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गवा दी? इसका सही उत्तर होगा भारत, है ना? फीस नहीं भर पाने के कारण, मेजबानी की समय से फीस नहीं भर पाने के कारण भारत ने इसकी मेजबानी गवा दी। और अब जो है यह खेल कहां पे, सर्बिया में खेले जाएंगे। कहां पे? सर्बिया में खेले जाएंगे 2021 में, सर्बिया। अब मेजबानी इनकी कौन करेगा? सर्बिया करेगा। 24वां प्रश्न है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की? बिहार, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना नामक नई योजना लॉन्च की। इस योजना का उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, है ना? मध्य प्रदेश शहरी जितनी भी महिलाएं हैं जो ऐसे ऐसे कार्यों से जुड़ी हुई हैं, उनको मास्क बनाने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि मास्क आने वाले समय में हमारी जरूरत है, प्रत्येक राज्य को जरूरत है, देश को जरूरत है, प्रेरित करना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। बाकायदा इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नंबर जारी किया गया है और उस नंबर पर आप कॉल करके अगर आप इस कार्य को करना चाहते हैं तो इस कार्य से संबद्ध हो सकते हैं। राज्य सरकार की यह व्यवस्था है। आइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, मध्य प्रदेश। 25वां, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया? इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो देश के 24% जो कामगार हैं उनके साथ छत्तीसगढ़ राज्य वैसे भी पहले नंबर पर है, और देश के 24% और 18 लाख लोगों का कुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में इसका पहला स्थान है छत्तीसगढ़। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है आपका। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की? देखिए, सभी राज्य इस समय कर इकट्ठा ना होने के कारण या पिछले कुछ महीनों में कम कर इकट्ठा होने के कारण टूट गए हैं। उन्हें कई तरह के कार्य करने हैं, लोगों को सैलरी भी देनी है और जो है कोविड से लड़ना भी है। तो नागालैंड ने ऐसा प्रयास किया। इसका सही उत्तर क्या होगा? नागालैंड, जिसने कोविड-19 सेस लगाया है, है ना, अपने कर्मचारियों की, अपने राज्य के कर्मचारियों के ऊपर, अपने राज्य के लोगों के ऊपर, जिससे क्या हो सके, फायदा हो सके और राज्य के पास कुछ रिवेन्यू इकट्ठा हो सके। तो ऐसा करने वाला नागालैंड पहला राज्य। आइए,
27वां प्रश्न है आपका, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे, भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, श्री चुन्नी गोस्वामी जी, इनका निधन हो गया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फुटबॉल तो खेला ही एशियाई खेलों में, और राज्य के लिए क्रिकेट भी खेला स्टेट के लिए, और ये एक महान व्यक्तित्व थे जिनकी दोनों ही खेलों पर एक समान पकड़ थी। ये क्रिकेट से भी संबंधित थे और फुटबॉल से भी संबंधित थे, और जैसे कि लिखा है 1962 की स्वर्ण पदक जो है विजेता टीम के कप्तान रहे एशियाई खेलों में, है ना, फुटबॉल की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वी, चुन्नी गोस्वामी। आइए, आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? भारत को 3रा स्थान पर रखा गया है, और बढ़ने में जो पहला स्थान है उसको इंग्लैंड उस पहले स्थान के साथ बढ़ने में बरकरार है। इंग्लैंड को पहला स्थान है, भारत का पहला स्थान था पहले से खिसक के वो तीसरे पर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, मैं इसका भी कारण आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जब पहले स्थान पर था, आप तीसरे पर है, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी चारा टेस्ट रैंकिंग और T20 में पहला स्थान हासिल किया। आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016 और 17 के जो सत्र हैं उसको रैंकिंग से हटा दिया गया। जैसे ही आईसीसी आगे बढ़ती है तो वो पुराने वर्षों को एलिमिनेट करती जाती है, और 16 और 17 में भारत ने टेस्ट मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उन आंकड़ों को जब हटाया गया तो भारत पहले स्थान से खिसक के कहां पे आ गया, तीसरे स्थान पर आ गया। और 2020 में और उसमें टेस्ट में दोनों में पहले स्थान पर कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, और बढ़ने में पहले स्थान पर कौन है बताइए, इंग्लैंड है, और भारत का यहां पे स्थान कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। आइए, 29वां प्रश्न है जो आपका, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतन GI का टैग दिया गया है ना, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यहां पर इसका उत्तर होगा मणिपुर। चाकहाओ जो है GI टैग प्रदान करने के लिए चाकहाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जाती है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः बड़े सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाकहाओ की खीर बनाई जाती है। चाकहाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है, और यह मणिपुर की एक पहचान के रूप में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मणिपुर, वह एक काला चावल है। कैसा चावल है, काले कलर का चावल है जो हल्का सा चिपचिपा होता है। आई अगला है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ? देखिए, इसको करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि संस्थान में पूरी कोशिश कर रहा है संस्थान प्रत्येक तरह से आपको सर्व करने के लिए। जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया कि लेखपाल का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है, आज से ही बैच में कक्षाएं प्रारंभ हुई है, तो आप सभी लोग बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने की प्रक्रिया को एक बार मैं प्रारंभ में डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है, इन नंबर्स पर भी देखिए, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया और फोन नंबर भी दिए गए हैं, आप इस पर बात करके इसको क्या करा सकते हैं, सुनिश्चित करा सकते हैं, अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। 5200 जो पद आए हैं, हम लोग उन 5200 पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, किस कश्मीरी उत्पादों को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा केसर। और ये कौन सा केसर है, कश्मीरी केसर है ना, कश्मीरी केसर है जिसके बारे में बात है। देखिए, कश्मीर केसर में दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेत GI संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सूचक होता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, केसर। तो ये आज का रटलो था, 30 प्रश्नों की करंट की श्रृंखला थी। ज्यादा प्रश्न नहीं करा हूं, थोड़ा सा गले में भी दर्द है, हालांकि हमें कोविड नहीं हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठंडा गर्म के कारण गला थोड़ा सा है। तो 30 ही प्रश्नों पर आज की इसको रोकता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में बैठ के पढ़ाई करें। संस्थान आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।